हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फादर है और आप देख रहे हैं फादर। सो फाइनली गाइस, फाइनली आज मैं आपके लिए न्यू कॉन्सेप्ट लेके आ चुका हूँ जो कि है मेरा रियाज अली के साथ। सो भाई, इससे अगली मैंने जैसे मैंने टिकटॉक पे अपलोड की, 12 घंटे में 2 लाख प्लस व्यूज़ आ गए। अब 5 लाख प्लस से भी जा रही है और आगे भी जाएगी इंशाल्लाह। तो यही एडिटिंग मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि मैंने किस तरह से उसको स्टेप बाय स्टेप किया है। तो इस एडिटिंग में जो भी बैकग्राउंड पेज यूज़ करूँगा उसका लिंक भी आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप इजी जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइस, सबसे पहले अपने पिक्सार्ट को ओपन कर लेना है। कुछ ही स्टेप से ओपन होगा ये। सो ये हो रहा है और इसमें मैंने बैकग्राउंड पहले से ही सेट किया हुआ है। इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, इसलिए आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। मॉडल की PNG को ले लेंगे। सो पहले तो ये वाला मॉडल आ गया रियाज अली भाई की। सो भैया, इसको आराम से परफेक्टली यहाँ पर इसको सेट कर देंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, बिल्कुल थोड़ा सा छोटा कर देंगे और अच्छे से इसको ना एडजस्टमेंट में जाके इसकी थोड़ा सा पैंट जो है और इसको बैकग्राउंड के साथ मैच करा देंगे थोड़ा सा ही, कि आप देख सकते हैं आप सैचुरेशन को हल्का सा प्लस में एंड शेडोज़ को थोड़ा सा डाउन। जो हाईलाइट है या डाउन हो जाए भाई, हाँ हाईलाइट को भी हम छोड़ देते हैं। यहाँ पे हो गया डन। कुछ इस टाइप से अपने फिर से भी इसको थोड़ा सा ना परफेक्ट यानी कि बैकग्राउंड के साथ मैच कराना होता है, तो अपने अच्छे से उसको खड़ा करना होता है। मैं अपना मॉडल ले रहा हूँ यहाँ पे, अपनी पिक का कटआउट जो मैंने पहले से किया हुआ। अगर आपको नहीं आता तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा कि कैसे मैंने भी कटआउट करता हूँ इसका। तो अभी हमने इसको क्या करना है, अच्छे से इसको परफेक्ट यहाँ पे बिठा देना है और इसको जाके ना बराबर इसका यानी कि सेम टू सेम साइज़ यानी कि वो रखना है हाइट वगैरह, और इसको मूव डाउन कर देंगे। एंड ये देखो हो गया मूव अप किया। सो ये हमारा मॉडल थोड़ा पीछे चला गया और इसका थोड़ा आगे चला गया। अच्छे से आपने इसको परफेक्ट यहाँ पे बिठा देना है। ये वाला वर्क थोड़ा सा हार्ड है, सो इस वजह से परफेक्ट यानी कि मैच कराने के लिए ना करना पड़ता है सैचुरेशन में जाके। और दूसरा भी ये हो गया यहाँ पे। अभी हमारी किस चीज़ की कमी है भाई, शेडोज़ तो दी नहीं। एक ब्लैक कलर की कोई भी चीज़ यानी कि ले लेंगे खाली सा, मैं निकाल रहा हूँ उसको, मिल जाए भाई। ये देखो मुझे कोई भी मिल गया है PNG वगैरह, सो मैं इसको फुल कर दूंगा एंड ऊपर जाके इसको मूव डाउन कर दूंगा और इन्वर्ट करके इरेजर पे टैप करके, इरेजर लेकर ना, इरेजर नहीं सॉरी, ये ब्रश लेकर इसके हार्डनेस को ख़त्म एंड ऑपेसिटी को बढ़ा के ना थोड़ा सा कम करके अच्छे से आपने यहाँ पे इसके नीचे पेंट कर देना है। बिल्कुल ऐसे ये देखो शेडो बन रही है एंड हमारे पाँव के नीचे भी ऐसे ही लगेगा। ऑपेसिटी साइज़ को थोड़ा सा कम कर दूंगा मैं, यानी कि साइज़ अपने हिसाब से रख लेना है। और ऑपेसिटी को आपने भी अपनी यानी कि बैकग्राउंड के हिसाब से, किसी बैकग्राउंड पे ज़्यादा होती है किसी में कम आती है, सो ये पॉइंट भी होता है। अच्छे से आपने इसको परफेक्ट यहाँ पे ना फेर देना है एंड डन। इसकी ऑपेसिटी को कुछ कम कर देंगे ताकि रियल लगे अभी। एंड अभी क्या करना है, ड्रॉ में जाके इसको सेव कर लेना है, ये ऊपर सेव। अब हम चलते हैं कहाँ, फेस मैच करवाएंगे। फेस मैच कहाँ करवाएंगे हम, ये स्नैपसीड में। अभी पिक्चर को सिलेक्ट करेंगे, सो ये दोनों का फेस बराबर से सेम हो जाएगा तभी पिक्चर में मज़ा आएगा, वरना ऐसे नहीं आएगा। सो अब देखो यहाँ पे मैं अपने फेस पे टाइप करूँगा। सो रियाज अली भाई का फेस थोड़ा ज़्यादा ब्राइट है, मेरा काम है, सो मैं इसको ब्राइट करूँगा थोड़ा सा एंड कॉन्ट्रास्ट को माइनस में लेके जाऊँगा थोड़ा सा ही, ज़्यादा नहीं। एंड जो सैचुरेशन है इसको भी डाउन कर दूँगा थोड़ी सी, एंड लास्ट वाला है इसको भी थोड़ा सा प्लस में, ब्राइटनेस को थोड़ा सा बढ़ा देंगे। वो अपने हिसाब से आप कर लीजिएगा अपने फेस को, कैसे किसके साथ कैसे यानी कि फेस आपका मैच हो रहा है। कभी किसी का ब्लैक आ जाता है तो किसी का वाइट आ जाता है, सो आप इसके हिसाब से ना अपने इसको सेट कर लीजिएगा। मैं अपने बाजू पे भी कर दूंगा एंड यहाँ पे ये एंड रियाज अली भाई के भी कर दूंगा भाई। टूल्स में जाकर ना, मैंने आपको बताना भूल गया कि टूल्स में जाके सेलेक्टिव को सिलेक्ट करके ऐसे करना है। तो अभी मैं रियाज अली का भी कर लेता हूँ, ये हो गया। एंड और क्या, दूसरे वाला भी कर देना है ऐसे ही, ब्राइटनेस को बढ़ा देना है बस एंड डन एक्सपोर्ट। अब हम चलेंगे कहाँ पे, लाइट रूम में। सो लाइट रूम को ओपन करते हैं। लाइट रूम ओपन हो रहा है, अब मैं इसको रोटेट कर दूंगा एंड रोटेट करने के बाद क्या होगा कि हमने क्या करना, लोडिंग हो रहा है। सो इसको बैक और अब हम अपनी इमेज को सिलेक्ट कर लेंगे। कहाँ गई भाई, मिल गई। इसको पहले डन करेंगे एंड जाके इसको सेलेक्ट कर लेंगे। सबसे पहले हम चलना है लाइट्स में, कंट्रास्ट को थोड़ा सा माइनस में लेके जाएंगे क्योंकि कंट्रास्ट ज़्यादा है हमारा।
सॉरी कॉन्ट्रास्ट बोल रहा हूँ, एक्सप्लोजर ज़्यादा है, कॉन्ट्रास्ट को हम थोड़ा सा कम कर देंगे क्योंकि यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट भी कुछ ज़्यादा लग रहा है मेरे मुझे, हाईलाइट को कुछ कम कर देंगे एंड शेडोज़ को बढ़ा देंगे और वाइट्स को भी कम कर देंगे एंड ब्लैक को भी कम कर देंगे। यहाँ पर काफ़ी हद तक अच्छा हो गया है। अभी हम चलेंगे किधर, नेक्स्ट वाले पे। सो यहाँ पे जाने के बाद हमने कलर्स वाले पे जाने पर टेम्पो थोड़ा सा बढ़ा देना क्योंकि हमें येलो वाली टोन चाहिए इसमें एंड टिंट को हम थोड़ा सा माइनस में लेके जाएंगे ताकि ग्रीन ग्रीन हो जाए एंड वाइब्रेंस को बढ़ा देंगे। एंड नेक्स्ट ये जो रेड है ना, ये हमारे लिप्स के लिए होता है और यहाँ पे जो रेड रेड है उसको भी थोड़ा सा काम डाउन कर देंगे और ये हमारे फेस के ऊपर होता है। नेक्स्ट वाला ल्यूमिनस को बढ़ा के फेस को सेट कर लेंगे। नेक्स्ट आ ये येलो, ये हमारी शर्ट्स का कलर है दोनों का ही। सो आपने भी कुछ ऐसे करना, कुछ ऐसे ही पहन लेना है। एंड ये देखो ग्रीन थोड़ा सा इधर ल्यूमिनस को बढ़ा देंगे, इसको हम डाउन कर देंगे और ये लास्ट वाले सब को ना सैचुरेशन को माइनस में लेके जाना है। एंड जो सेकेंड लास्ट है, लास्ट वाला है, इसके ह्यू को हम हल्का सा माइनस लेके जाएंगे। एंड नेक्स्ट आ गया टेक्सचर को हम बढ़ा देंगे, क्लैरिटी को थोड़ा सा माइनस में लेके जाएंगे ताकि हमारा फेस थोड़ा सा स्मूथ हो जाए। डीएस को हम हल्का सा बढ़ा देंगे, विगनेट को हम कम कर देंगे। सो मैं आपको दिखाता हूँ बिफोर एंड आफ्टर। सो ये देखो पिक्सार्ट में हमने किया तो एकदम फीकी फीकी सी थी, बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा था पिक्चर में, और यहाँ पे एकदम ज़बरदस्त लुक आ चुका है। सो आप देख सकते हैं और ऊपर जाके इसको सेव भी कर सकते हैं। आगे हमारी वीडियो देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा यार। बेल आइकन नहीं दबाते तो जब टिकटॉक बैन हो जाएगा तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन कैसे कहाँ पे दूंगा। सो आपने बेल आइकन दबा के रखना है, सो जैसे मेरी न्यू वीडियो आएगी आपको ज़रूर मिलेगी।